22 जनवरी को सिंगरौली आने वाले हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और होने वाली है झूठों की बारिश। प्रवीण सिंह चौहान, कांग्रेस। प्रवीण सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि आप सभी छाता लेकर आए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान झूठ की बारिश करने वाले हैं। चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सपनों का जिला सिंगापुर कहे जाने वाले सिंगरौली जिले में आगमन होने जा रहा है, जहां वो आकर के लगातार लच्छेदार झूठी और कोरी घोषणाएं करके जाते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। R9 भारत टीवी के लिए ब्यूरो चीफ अमित कुमार पांडे की रिपोर्ट। गर्मी भी नहीं है, बरसात भी नहीं है, तो आप लोग छाता लेके कहाँ जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को हमारे ज़िले में, हमारे ज़िले के, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का ज़िले में आगमन हो रहा है, और उस दिन 22 तारीख को झूठ की बारिश होने वाली है। तो हम लोग ये पहले से तैयारी कर रहे हैं और जनता को आगाह कर रहे हैं कि 22 तारीख को जब आप अपने घरों से निकले तो छाता लेकर के निकले, क्योंकि शिवराज सिंह बड़े बड़े पैमाने में झूठ की बारिश करने वाले हैं। इसके पहले शिवराज सिंह का जब आगमन हुआ था बिलौजी ग्राउंड में, उन्होंने 10 घोषणाएं की थी और उस 10 घोषणाएं में लगभग सारी उनकी घोषणाएं अधूरी हैं। इसी प्रकार चितरंगी में 36 घोषणाएं उनके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम ये घोषणा थी कि मध्य प्रदेश में 1,00,000 युवाओं को 1 साल के अंदर रोजगार दिया जाएगा, सिर्फ ख्वाब रहा। सिंगरौली जिले के लिए जो उन्होंने घोषणा की थी, CM राइज स्कूल पता नहीं कहाँ है, रिहंद बाग परियोजना वो भी धरातल पर कहीं नहीं दिख रहा है, और बाईपास रोड वो भी सिंगरौली ज़िले में नहीं। हाँ, एक चीज़ वो ज़रूर कर रहे हैं कि जब जब वो सिंगरौली आते हैं, हमारे ज़िले का DMF फंड जो 50,000 करोड़ ले जा करके भोपाल के अन्य ज़िलों में खर्च कर रहे हैं, सीहोर में खर्च कर रहे हैं, अपने बुधरी में खर्च कर रहे हैं, वो फंड हमारे ज़िले में खर्च होने चाहिए, हमारे ज़िले का विकास होना चाहिए। ज़िले की स्थिति ये है कि आवागमन से हम पूरी तरह वंचित हैं। 100 किलोमीटर की रोड नहीं बन पा रही है, लोगों का आवागमन पूरी तरह बंद है, आए दिन ट्रेनों का परिचालन बंद हो जा रहा है। कहने को तो सिंगरौली सिंगापुर है, जो शिवराज सिंह ने नाम दिया था कि मैं सिंगरौली को सिंगापुर बनाऊंगा। सिंगापुर बनाना तो दूर, बगल के का जो पड़ोसी जिला है उतना भी हमारा जिला विकास नहीं कर पाया है। एक चीज़ में हम जरूर विकास किए हैं कि टैक्स देने में पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टैक्स यदि किसी जिले ने दिया है तो सिंगरौली ने दिया है। तमाम घोषणाएं उनकी है। उन्होंने शिवराज सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास वालों को मुफ्त में रेत मिलेगी। नाम के लिए, दिखावे के लिए कुछ दिन तो रेत मिली मुफ्त में, आज फिर वही दशा है, वही स्थिति है कि रेत फिर से प्रधानमंत्री आवास वालों को खरीदना पड़ रहा है।